रघुवर दास आएंगे लखनऊ। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में होगा समारोह। तो ये आपको बता दें, 21 मार्च के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले होली की बधाई आपको। विशाल, होली तो मन रही है, लेकिन ये जानकारी भी सामने आ रही है कि 21 मार्च के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, चूंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगातार जो है शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जो है वो तेजी से की जा रही हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पीएमओ से अभी जो डेट मिल रही है वो 23 या 24 तारीख की मिल रही है, और चूंकि 21 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है एमएलसी के, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस नामांकन के वक्त तमाम कैंडिडेट्स के साथ मौजूद रहेंगे अलग अलग जगहों पर, और यही वजह है कि इस शपथ ग्रहण को 23 या 24 को किया जा सकता है। चूंकि अभी वक्त अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चूंकि तैयारियाँ अधूरी न रह जाएँ, इसको देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 23 या 24 में किया सकता है। इसके साथ ही 22 तारीख को ये बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक मंडल की जो बैठक है वो होगी, और अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चूँकि पहले ये बैठक जो है 19 तारीख को होनी थी, कल जो है अमित शाह को लखनऊ आना था, कल देर रात आते हैं, फिर परसों 20 तारीख को ये पूरी बैठक सुबह प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया गया है, और अब अमित शाह जो है वो 22 तारीख को ये बैठक लेंगे। हालांकि अभी अमित शाह के दौरे को लेकर कोई भी नया कार्यक्रम नहीं आया है कि उनका दौरा की बदलाव किया गया है, लेकिन जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अमित शाह और रघुवर दास जो हैं वो 22 तारीख को विधानमंडल की बैठक लेंगे, और उसी वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा। उसके बाद बहुमत साबित करने के लिए बकायदा राजभवन जाएंगे, वहां पर सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है। बिल्कुल, यानी कि शपथ ग्रहण हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी।